अक्सर कहा जाता है कि शर्म और झिझक के कारण आप जिंदगी की रेस में पीछे रह जाते हैं। लेकिन शायद आपको ये बात हैरान करेगी कि एक डॉक्टर की शर्म और झिझक एक महान आविष्कार की वजह बन गई। जी हाँ, आप सभी ने डॉक्टर के हाथ में मरीजों की जांच के लिए स्टेथोस्कोप जरूर देखा होगा। इस आविष्कार को मेडिकल साइंस के सबसे बड़े आविष्कारों में से एक माना जा सकता है। इस विशेष यंत्र के आविष्कार का श्रेय फ्रेंच वैज्ञानिक रेने थियोफाइल हाइसेनिक लीनेक को जाता है। लेकिन स्टेथोस्कोप के आविष्कार के पीछे एक मजेदार कहानी भी है। रेने लीनेक का जन्म 1781 में फ्रांस में हुआ था। उन्होंने मेडिसिन की पढ़ाई अपने फिजिशियन अंकल की देखरेख में नेंटिस में की थी, लेकिन फिर उन्हें फ्रांसीसी क्रांति में मेडिकल कैडेट के तौर पर भाग लेने के लिए बुलाया गया। 1801 में उन्होंने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की और 1815 में फ्रेंच राजशाही स्थापित होने के बाद नेकर इन्फेंट मेलाडेस नामक हॉस्पिटल में काम करना शुरू कर दिया। लीनेक ने स्टेथोस्कोप का आविष्कार 1816 में किया था और इसकी वजह बनी उनकी शर्म और झिझक। दरअसल स्टेथोस्कोप के आविष्कार से पहले डॉक्टर किसी भी मरीज की जांच के लिए उसके सीने के पास कान लगाकर उसकी धड़कनें सुनते थे। एक बार लीनेक हार्ट की समस्या से जूझ रही एक महिला की जांच कर रहे थे तो उन्हें थोड़ा झिझक महसूस हुई। लीनेक ने इस स्थिति से बचने के लिए एक कागज को मोड़कर उससे ट्यूब जैसी संरचना बनाई। ट्यूब के एक सिरे को महिला के चेस्ट पर दबाया और दूसरे सिरे को अपने कान पर लगाकर उसकी हार्ट बीट सुन ली। कहा जाता है कि लीनेक को ऐसा करने की प्रेरणा इसलिए मिली क्योंकि वो बांसुरी भी बजाया करते थे। तो लीनेक की यही झिझक स्टेथोस्कोप के आविष्कार की वजह बन गई। अपने इस प्रयोग से उत्साहित लीनेक ने बाद में लकड़ी के कई खोखले मॉडल बनाए, जिसके एक सिरे पर माइक्रोफोन लगा था और दूसरे सिरे पर ईयरपीस, और उन्होंने इसे नाम दिया स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप नाम देने की भी वजह थी। दरअसल स्टेथोस्कोप ग्रीक भाषा के शब्द स्टेथो और स्कोप से मिलकर बना है। स्टेथो का मतलब होता है चेस्ट और स्कोप का मतलब परीक्षण, यानी कि चेस्ट के परीक्षण को स्टेथोस्कोप कहा जाता है। लीनेक का यह आविष्कार फ्रांस से निकलकर धीरे धीरे यूरोप और फिर अमेरिका तक फैल गया। 1826 में ट्यूबरक्लोसिस के कारण लीनेक की महज 45 वर्ष की उम्र में मौत हो गई। लेकिन उन्हें अपने इस महत्वपूर्ण आविष्कार के महत्व का अंदाजा अच्छी तरह से था, इसीलिए उन्होंने इसे अपने जीवन की सबसे बड़ी विरासत कहा था। स्टेथोस्कोप के आविष्कारक लीनेक का जन्म 17 फरवरी 1781 को फ्रांस में हुआ था। लीनेक को उनके 235वें जन्मदिन पर श्रद्धांजलि देने के लिए गूगल ने लीनेक पर एक डूडल भी बनाया था। दोस्तों, स्टेथोस्कोप के आविष्कार की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।